लेट अस अगेन स्टार्ट विद द सेम चैप्टर बेटा, इंटीग्रेशन, है ना। अभी हमने जो किया, मैंने आपको सिर्फ एक इंटीग्रेशन के रिलेटेड जो है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि हम कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बताए थे कि इंटीग्रेशन के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो आज हमने प्रॉपर सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे। बेसिकली जो हमारे पास मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है ना बेटा, हमने उसको जो है बेसिकली फोर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। कैसे? कि हमारे पास जो है डायरेक्ट मेथड्स, डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला कह सकते हो या कॉन्सेप्ट कह सकते हो या सम बेसिक फॉर्मूलाज कह सकते हो, जिसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज ही लगाते हैं। जो हमने किया कि जस्ट देखा कि x पावर n लग रहा है, साइन x लग रहा है, cos x का लग रहा है, तो हमने वो लगा दिए, ठीक है। सेकेंड हमारे पास था जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। थर्ड हमारे पास है बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल जो है मेथड, ओके। और फोर्थ हमारे पास जो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके, क्लियर। हमारे पास ये चार पार्ट्स में हमने पूरी इंटीग्रेशन को डिवाइड किया हुआ। डायरेक्ट मेथड कुछ हमने कर लिए है, कुछ आगे आएंगे, जैसे जैसे हर एक्सरसाइज आती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। अब हमने करना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आज हमारा जो मेन थीम है उसको हमने लर्न करना है, ठीक है। अब क्लियर कट है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, तो उसी से आपको क्लैरिटी हो जाएगी, कुछ ना कुछ हमने सब्स्टिट्यूट करना ही करना है। दैट मींस आज का टॉपिक जो हम करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। मतलब हम क्या देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, अगर मैं देखूं कि डायरेक्ट मेथड नहीं लग रहा या कोई उस बाय पार्ट्स या पार्शियल फ्रैक्शन, वो क्लियर कर पता लग जाता है कि वो है नहीं, उनसे लग रहा है, तो हमें हमारा दिमाग हमेशा यही जाएगा कि सब्स्टिट्यूट करके देख ले कि कुछ बनता तो नहीं, ठीक है। अब वो सब्स्टिट्यूशन कैसे पता चलती है, लेट अस डू। मान लीजिए साइन, ठीक है, मेरे पास जो है अंदर है टैन इनवर्स और साथ में नीचे दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मुझे कह दिया कि इसकी इंटीग्रेशन करो, तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है साइन के अंदर, लॉग के अंदर, कॉस के अंदर, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कहीं पे भी कुछ ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव साथ एडजस्ट हो रहा है। टैन इनवर्स एक्स है, उसका डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ एडजस्ट हो रहा है ना बेटा, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं, लेट अस सी। मेरे पास जो है पुट टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, जो अंदर है, जो हमें प्रॉब्लम, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल मुझे आता है माइनस कॉस एक्स, बट साइन के अंदर मेरे पास टैन इनवर्स है, तो 100% मैं उसको टी पुट करती। अब इस दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है, दोनों तरफ, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी वी लोगे तो वी के अकॉर्डिंग, डब्ल्यू लोगे तो डब्ल्यू के अकॉर्डिंग, जेड लोगे तो जेड के अकॉर्डिंग। अब टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे पास, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो इधर डी एक्स लगा दो, ओके। ये टी, टी के विद रिस्पेक्ट टू लेना है, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, पर t के साथ है तो वो dt। एक्चुअली अगर हम देखें इसको विद रिस्पेक्ट टू t करें,
तो dx बाय dt आएगा ना, और इधर 1 आएगा, तो वो जो dt नीचे आता है वो उधर चले जाता है, बस ये मैं समझाना चाहती हूँ। अब देखो क्लियर कट, ये सारा वेरिएबल चेंज हो जाता है, dx ओवर 1 प्लस x स्क्वायर को, dx ओवर 1 प्लस x स्क्वायर को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, dt। अब नया वेरिएबल t है, यानी सबको t में कन्वर्ट करना है, ओके तो लेट इट बी i, इंटीग्रल को हम i से डिनोट करते हैं, तो देयरफॉर मेरे पास i क्या बन जाएगा, इंटीग्रल साइन क्या बना ये t ओवर, मेरे पास जो है ये कुछ नहीं रहा ना, इस सारे की जगह dt। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया बेटा, अब साइन t का इंटीग्रल आपको पता है cos t विद नेगेटिव साइन प्लस सी, आंसर अब आपने टी में नहीं छोड़ना, क्यों नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारा वेरिएबल तो क्या था बेटा, एक्स था ना, तो टी को दोबारा रिप्लेस कर दो टैन इनवर्स एक्स में, तो मेरे पास माइनस कॉस टैन इनवर्स मेरे पास एक्स प्लस सी। ये बात सबको समझ आई हमने कैसे की, सब्स्टिट्यूशन हमें खुद देखनी पड़ती, वी हैव टू सी कौन सा पुट करें क्या पुट करें ताकि आपको क्लैरिटी हो, हमारा सम इजी हो जाए, और बाय एक्सपीरियंस यू कम टू नो, बार बार आप करोगे तो आपको पता चलता जाएगा कैसे करना है क्या करना है, और कुछ नहीं है इसमें, और इतनी टेंशन वाली बात नहीं, बट जितने सम्स हाथ में निकालोगे उतनी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। चलो और करें कोई क्वेश्चन, चलिए लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, एग्जाम्पल फिफ्थ थर्ड पार्ट, ठीक है मैं ये रब कर रही हूँ, एग्जाम्पल फिफ्थ थर्ड पार्ट, मेरे पास क्या होगा एग्जाम्पल फिफ्थ थर्ड पार्ट में, व्हाट इज रिटन ऑन पेज बेटा 300, तो मेरे पास क्या दिया हुआ देखिए, इंटेग्रल टेन पावर फोर ओके रूट एक्स सीकेंट, मेरे पास जो है स्क्वायर रूट एक्स ओवर मेरे पास जो है रूट एक्स डी एक्स। अब क्लियर कट मुझे यहां पर ये विजिबिलिटी नजर आ रही है बेटा कि कहीं ना कहीं टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है और साथ में डेरिवेटिव पड़ा है, तो ऑब्वियस है मैं फिर क्या करूं, मैं किसी ना किसी तरह से मैं कोई चीज पुट करूं ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आए। हर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स होंगे है ना, पर हम जो देखेंगे हम उसके अकॉर्डिंगली, जो मैंने अपने माइंड में मुझे यहां से ये लगता है कि टैन रूट एक्स को मैं टी पुट कर दू ना तो मेरा शायद ये सिंप्लीफाई, क्योंकि मैंने यहां से जज किया कि सीकेंट स्केयर को एडजस्ट करना है तो वो टेन एक्स को कुछ पुट करूंगी तो उसका डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर तो मेरा वहीं से होगा, मैंने ये अपने माइंड में लेके रखा, तो मैंने कई बुक्स में वो डबल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एक बार से इंटीग्रेशन नहीं होती तो दूसरे करते हैं, तो अगर हमें सीधा मिल रही है हम सीधा कर लेंगे ओके, तो हम क्या करेंगे यहां पर मैंने टेन रूट एक्स को बेटा टी पुट की, अब डेरिवेटिव लेना है इधर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इधर विद रिस्पेक्ट टू टी, इधर तो डी टी बन जाएगा ना सिंपल, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन ऐसे टी का डेरिवेटिव वन ओके, इधर टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, बट एक्स नहीं है रूट एक्स है, चेन रूल लगाते थे टेन प्लस वन में किया ना हमने, प्लस टू में भी किए फर्स्ट टर्म में, तो रूट एक्स रूट मतलब वन बाय टू है ना, तो उसका डेरिवेटिव पावर आगे जाएगी एक पावर कम होगी तो माइनस वन बाय टू यही आएगा, इसको कैसे लिख देंगे वन बाय टू एक्स नीचे ऐसे कर सकते हैं ना, तो अब मैं क्या करूंगी सारा इसको लिखूंगी यहां पर वन बाय टू रूट एक्स डी एक्स। ये बात सबको समझ आई बेटा,
any doubt up to this level, please ask me. Be active in the group meetup. हाँ जी, अभिरूप, दमन, दिव्यलीन, हरनूर, रसिका, सम्यंग, कशिश, सृष्टि, तेगवीर, हाँ जी, जो मैंने अभी बताया सबको क्लियर हुआ कि ये कैसे डेरिवेटिव लिया बेटा? ओके, ठीक है। तो अब देखो क्या मेरा ये एडजस्ट होता है, कोई ऐसा तो नहीं है पुट करने पे वेरिएबल एक्स भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, आपने नए वेरिएबल में टी में कन्वर्ट किया ना, तो सबको टी में होना चाहिए और डीटी लगना चाहिए, एक्स नहीं बचना चाहिए। अब लेट अस सी, मेरे पास सीकेंस केयर ये है, ओके, नीचे रूट एक्स ये भी है और डी एक्स भी है, ये टू एक्स्ट्रा है ना, टू तो कॉन्स्टेंट है ना, ये उस तरफ चल जाएगा, तो ये सारा एडजस्ट हो गया, मेरे पास ये सारे टर्म मिल गए, ये एक्स खत्म हो गया। अब इधर टेन रूट एक्स को मैं टी लिख सकती हूँ, सबको टी में कन्वर्ट हो गया, अब मेरी टेंशन खत्म हो गई, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं एक्स बचा, अगर बच रहा है तो दैट मीन्स हमारी सब्स्टिट्यूशन गलत है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेरे पास जो है आई विल राइट कि मेरे पास आई किस में चेंज हो गया, अब ये टेन की पावर फोर है तो मेरे पास यहाँ पर टी की पावर फोर, और ये सारे की जगह पे क्या आ गया, टू डी टी। देखो कितना इजी हो गया, अब टू तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का, अब इसके बाद तो डायरेक्ट फॉर्मूले ही लगते हैं जो हमने पहली एक्सरसाइज में किए थे, ओके। तो क्या होगा, मेरे पास पावर एक इंक्रीज हो जाएगी ओवर द सेम पावर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो सब्स्टिट्यूशन से कितना सम इजी हो गया। तो अब क्या करेंगे, 2/5 मेरे पास जो है, और यहाँ पर पावर 5 प्लस सी, और टी की वैल्यू अब रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज टेन रूट 5 रूट एक्स, सॉरी। समझ आई बेटा, मैं बार बार कह रही हूं कि इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर डिस्कस इट विद मी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी बेटा। चले फिर आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां पर, चलिए चलो अब एक्सरसाइज करते हैं, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि हमने क्या करना है। बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज मुझे दो फॉर्मूलेज और बताने हैं। मैंने अभी तक आपको साइन का बताया था, कॉस का बताया था, ठीक है, टेन का फॉर्मूला बताया था, कॉट का बताया था, मैंने सीकेंट इंटेग्रल का फॉर्मूला या कुछ सीकेंट इंटेग्रल का फॉर्मूला आपको नहीं बताया, ओके। तो आज वो भी करेंगे, और हम लोग जो है वो कुछ और फॉर्मूलेज करेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए कुछ, ओके बेटा, क्लियर। तो लेट अस डू टू मोर फॉर्मूलेज, उसी में ऐड कर लेना, ठीक है, और फिर सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करें, लेट अस डू दैट। हाँ जी, मेरे पास जो है बेटा इनके फॉर्मूलेज जो है, दैट इज इंटेग्रल मेरे पास सीकेंट एक्स डीएक्स, उन्हीं के साथ ऐड कर लेना, दैट इज बेटा लॉग मॉड सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ओके फर्स्ट। और एक रह गया था हमारा कोसेकेंट एक्स का, साइन का कर लिया था, कॉस का कर लिया था, आपको याद हो टेन का कर लिया था और कॉट का कर लिया था, सीकेंट और कोसेकेंट का हमारा रह गया था इसका लॉग मॉड कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अच्छा, इसका ना कई बुक्स में हमारे पास और भी सिंप्लीफाइड फॉर्मूलेज हैं जो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक फॉर्मूला तो है वो ऐसे भी है, माइनस लॉग मॉड कोसेकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स, ओके। और दूसरा एक और बिल्कुल शॉर्ट, हाफ
एंगल में मेरे पास जो है log ऑफ मॉड टेन जो है वो एक्स बाई टू प्लस सी। अब तीनों में से यू कैन लर्न एनी वन, इट इज अप टू यू। ओके बेटा चले आगे, अब क्वेश्चंस करते हैं तभी आपको क्लैरिटी होगी कि हमने क्वेश्चंस कैसे करने हैं। पहले कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको है सब जो है सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है बट हमें करना पड़ता है। ओके लेट अस डू, देखिए अब जैसे देखिए मेरे पास जो है एग्जांपल सिक्स इंटेग्रल साइन पावर थ्री एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मैं इसके लिए भी ना आपको आगे जो है एक नोट लिखवाऊंगी, अभी नहीं लिखवाऊंगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले लिखवाऊंगी एक, क्योंकि वो सारी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। अभी मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सिर्फ बताऊंगी, ठीक है, क्लियर कट है। मेरे पास जो है यहाँ पर जो मैं अपने दिमाग में रखती हूँ, आपके पास साइन और कॉस अगर दोनों हैं, दोनों हैं, एक की पावर इवन है, एक की पावर ऑड है ना, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव मेरे पास जो है साइन होता है, तो आपने सिर्फ एक चीज देखनी है, ऑड पावर किसकी। ओके ऑड पावर किसकी, यहां पर साइन की पावर ऑड है ना, तो कॉस को टी पुट कर दो, अगर कॉस की पावर है तो साइन को पुट कर दो, सिंपल सी बात है। मेरे पास साइन की पावर ऑड है ना, तो आप क्या करो यहां पर पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, जिसकी ऑड है उसे उल्टे को पुट कर दो, उसका बेनिफिट क्या होगा मैं अभी आपको दिखाती हूँ। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है यही होगा ना। अब मैंने क्या किया, इस आई को मैंने यहां पर मुझे एक कॉस डी एक्स साइन डी एक्स के साथ चाहिए, मैंने एक साइन स्केयर अलग कर दिया, ठीक है कॉस स्केयर ऐसे रहने दिया, एक साइन एक्स मैंने डी एक्स के साथ लगा ताकि इसकी जगह पे मैं dt लिख दूं। अब प्रॉब्लम ये है, ये भी x वेरिएबल में, ये भी x वेरिएबल में है ना, ये t में चेंज हो जाएगा बट प्रॉब्लम अब इसकी रहेगी, तो आइडेंटिटी लगा लो ना इसमें, क्या करोगे इसकी जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा, ये cos स्क्वायर x लिखा, sin x लिखा, dx लिखा। अब देखो सारा कुछ t में चेंज हो जाएगा, किया तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सही ना मैंने, अब कैसे चेंज हुआ लेट अस सी कि मेरे पास आई क्या बन गया, इंटेग्रल वन माइनस मेरे पास टी स्क्वायर, ठीक है फिर टी स्क्वायर और यहां माइनस है, मेरे पास माइनस नहीं है तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस डी टी मैंने माइनस बाहर लेगी और डी टी। अब देखो कितना इंटेग्रल इजी हो गया मेरे पास, टी पावर फोर और डी टी। ठीक है बेटा, तो मेरे पास माइनस टी थ्री बाय थ्री माइनस टी फाइव बाय फाइव प्लस सी, बस आपने ये नेगेटिव यहां तक लेना है, यहां तक ले लो, कॉन्स्टेंट है डजंट मैटर। अब टी को रिप्लेस कर दो, कॉस एक्स लगा दो, सबको बात समझ आई मैंने कैसे सोचा इस क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूट करना है। मैंने आपको एक जिक बता दिया कि अगर साइन और कॉस की पावर कुछ भी हो, दोनों इवन है वो अलग केस है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया एक इवन एक ऑड है, अगर साइन ऑड है तो कॉस को टी पुट कर दो, अगर कॉस की पावर ऑड है तो साइन को टी पुट कर दो, अपने आप आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आगे नोट में लिखवाऊंगी भी ये चीज, क्लियर हुआ सबको हम क्या कर रहे थे। चलिए बेटा आगे, क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मेरे पास एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है
डिफरेंट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट एग्जांपल सिक्स्थ सेकंड पार्ट. ठीक है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट बताया, मैंने फिर अब सेकंड पार्ट बनाने लगे. एग्जाम्पल सिक्स सेकेंड पार्ट क्या है मेरे पास, दैट इज इंटेग्रल साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस ए डीएक्स. अब देखो, जब भी आपके पास ना नीचे ऐसे साइन एक्स प्लस ए या कुछ भी है, हमारा एम होगा हम ऊपर भी एंगल में सेम बनाए. उसका बेनिफिट क्या होगा वो आपको पता चलेगा बाद में. ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया, बहुत बार रिपीट हुआ हुआ. तो देखो, मैंने ऐसे क्वेश्चन में क्या किया, ऊपर मुझे मैंने ए ऐड किया, ए सब्ट्रैक्ट किया. देखो क्यों किया उसका, ताकि ये सेम सेम एंगल बने. इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया. अब ऐसे क्वेश्चन को ना मैंने अपनी बुक में ऐसे स्टार लगाया हुआ, एक बार लगाया हुआ है, अब देखती हूँ मुझे याद आ जाता है ये. अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन अलग है बाकी. ठीक है, अब मेरे पास जो है मैं इसको क्या करूंगी, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी. मेरे पास जो है माइनस कॉज ए साइन बी, मैंने ऊपर आइडेंटिटी लगा दी, अब नीचे मैंने अलग अलग कर दिया. ये देखो, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और डीएक्स लगा. अब इसका क्या बेनिफिट, ये कैंसिल. अब क्या बचा मेरे पास, इंटेग्रल ये सारे के साथ डीएक्स था, कॉस ए डीएक्स माइनस यहां देखो कॉस बाय साइन क्या हो गया मेरे पास, कॉट एक्स प्लस ए और साथ में साइन ए डीएक्स. अब मुझे कोई बता सकता है यहां पर इंटेग्रल कॉस ए डीएक्स का इंटेग्रल क्या, इंटेग्रल कॉस ए डीएक्स का क्या आंसर आएगा. हाँ जी जल्दी, कोई भी हरनूर रसिका सम्यंक काक्षी तेगवीर दमन अभिरु, किसी को नहीं पता है, कोशिश तो करो. कॉज ए का इंटीग्रल, रसिका अनम्यूट करो बेटा. जी रसिका अनम्यूट कीजिए. नहीं मैं आता हूं, डिस्कस तो करेंगे ना बेटा, डिस्कस ही करने के लिए आए. डिस्कस कीजिए कि यस मैम ये हो सकता है, एक्स कॉस ए एक्स आ जाएगा बिल्कुल, और कॉस ए आएगा. रीजन, क्योंकि कॉस ए कांस्टेंट है, यहां कोई एक्स नहीं है, तो जो कांस्टेंट होता है मैंने आपको बोला था कि वो आगे आ जाएगा, बिल्कुल टेक वी करेक्ट. और अब अंदर क्या रह गया, इंटेग्रल डी एक्स, और इंटेग्रल डी एक्स क्या होता है, एक्स माइनस ऐसे ही साइन ए कांस्टेंट है, ये है ना वेरिएबल एक्स तो नहीं है, ये बाहर आ जाएगा. अब क्या बचा यहां पर, इंटेग्रल कॉट एक्स प्लस ए डी एक्स. कॉट एक्स अगर आपको याद हो, मैंने फर्स्ट डे ही आपको कॉट एक्स का इंटेग्रल बताया था, लॉग मॉड साइन एक्स बताया था ना, वहां एक्स था तो एक्स लगा, यहां लीनियर है एक्स प्लस ए तो एक्स प्लस ए आ जाएगा. तो दैट मीन्स कॉस ए इंटू एक्स माइनस साइन ए, और इसकी जगह पे लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए. वो एक्स के आगे वन है, वन से तो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो प्लस. दिस इज माय आंसर.
समझ आया बेटा सबको? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एक आधी बार पेपर में ना ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखो x माइनस ए ओवर साइन x प्लस ए, मुझे देख के ही पता चल जाता है बेटा क्या करूंगी मैं यहां पर। मुझे प्लस ए बनाना है, ए ऐड करूंगी, ए सब्ट्रैक्ट करूंगी तो साइन एक्स प्लस ए अलग हो गया, माइनस टू ए अलग हो गया। ये लो अब ये ऐसा ही बन गया बिल्कुल सेम। अब क्या होगा, ये ए हो जाएगा ये बी, तो साइन ए माइनस बी का जो नीचे गया उसके साथ होगा। ठीक है बेटा, क्लियर, समझ आई मेरी बात बेटा? ये ऐसे क्वेश्चन में हमें क्लियर कट पता चल जाता है ऐसे ही करना है और कोई मेथड ही नहीं है इसका करने का। ओके चलिए लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। कैसे, देखिए एक और क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन एक ही मेथड पे टिके नहीं है, आप कुछ और भी सोच सकते हो। कई बार हमारे दिमाग में वो नहीं आती है तो कोई बात नहीं, इसी का नेक्स्ट पार्ट है इंटेग्रल वन ओवर वन प्लस टेन एक्स डी एक्स। देखिए क्या करेंगे फिर यहाँ पर मेरे पास हो गए। अब कई बच्चे इसको रैशनलाइज कर देते हैं, वो भी कर सकते हैं। मुझे क्या इजी लगता है कि मैं क्या करूं, साइन कॉस में चेंज कर दूं, तो मैंने वन ओवर वन प्लस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने इसमें कर दिया। ठीक है तो क्या हो गया मेरे पास, कॉस एक्स एलसीएम हुआ तो वो कॉस एक्स ऊपर हो गया, तो मेरे पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स। इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लो, बिल्कुल डिफरेंट है सब क्वेश्चन। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप बहुत जरूरी है, टू से मल्टीप्लाई करना, टू से डिवाइड करना, नहीं करोगे तो समा टक जाएगा। कई बच्चे डायरेक्टली साइन एक्स एड साइन एक्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो अड़ेंगे ही अड़ेंगे बेटा, 100% अड़ेंगे। टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, पर नीचे क्या है साइन एक्स एड होना है ना, मैंने साइन एक्स एड किया साइन एक्स सब्ट्रैक्ट किया। ओके अब नीचे का मेरे पास cos x plus sin x। अब इसका बेनिफिट मैं आपको बताती क्यों ऐसा किया, अगले स्टेप में पता चलेगा। 1 by 2, अब ये sin x के नीचे ये sin x लिखे, sin x plus cos x के नीचे जो मैं sin x plus cos x लेके जाऊंगी तो वो 1 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर cos x minus sin x over cos x plus sin x dx। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकती हूँ, आगे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ, अभी मैंने वो बताया नहीं है, मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से अभी बताऊंगी, फिर अगली बार यू कैन यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है अब 1 बाय 2 है, 1 का इंटेग्रल आपको पता है x, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब नेक्स्ट काम करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा बेटा यहाँ पर, वॉट वी विल डू, इसका इंटेग्रल कैसे करना है हम अगले स्टेप में करते हैं। मेरे पास टू है डी एक्स प्लस वन बाय टू इंटेग्रल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। मैं क्या करूंगी यहां पर बेटा, व्हाट आई हैव टू डू, मैं यहां पर तो वन बाय टू एक्स प्लस, अब इसमें मैं यहां लिखूंगी पुट cos x plus sin x को मैंने t लेट कर दिया, लेट मी शो यू, मैंने t पुट कर दी, उसका बेनिफिट क्या हुआ, चलो हम थोड़ा बड़ा लिखते हैं, पुट cos x plus sin x को t ले लो, तो cos x का डेरिवेटिव जो है माइनस sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल टू dt। लो जी अब ऊपर वाली टर्म देखो, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, सारे की जगह डी टी आ रहा है, तो यानी
मैं यहाँ पर अब क्या कर सकती हूँ बेटा, व्हाट आई विल डू वेयर ई वन बाय टू एक्स प्लस, जब मैंने पुट किया तो वन बाय टू इंटेग्रल, इस सारे की जगह पे डी टी और नीचे टी, अब वन बाय टी का इंटेग्रल क्या होता है, लॉग होता है ना मेरे पास, लॉग टी मॉड टी प्लस सी, इंटेग्रल खत्म, तब प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटी, अब टी की वैल्यू दोबारा रिप्लेस कर दो, बात समझ आई। देखो हर क्वेश्चन में अपनी अलग टेक्निक है, हमने भी बार बार प्रैक्टिस से हमें पता चल जाता है ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन ऐसा होगा, जहां वो टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड बच्चे बहुत ज्यादा भूल जाते हैं, क्वेश्चन अटक जाएगा आगे जाके, बढ़ी जाएगा बढ़ी जाएगा, तो वहां स्टार लगा दो, कुछ का क्वेश्चन है जो हमें बार बार करेंगे तो याद हो जाते हैं कि ऐसा करना है तो अपने आप हो जाएगा। ओके बेटा क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। बिफोर डूइंग एक्सरसाइज मैं आपको दो और फॉर्मूलेज बताना चाहती हूँ, ठीक है, वो क्या है, अगर डेरिवेटिव किसी फंक्शन का ऊपर पड़ा है और नीचे फंक्शन है, अभी जैसे था ये फंक्शन पूरा, इसका डेरिवेटिव ऊपर, तो मैं सीधा फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ, सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, लॉग ऑफ फंक्शन प्लस, आप देखो लॉग ऑफ टी आया था और टी क्या आगे था, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो सीधा भी लिख सकती हूँ। दूसरा फॉर्मूला, अगर इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स की पावर एन है, साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो हम सीधा इसका इंटेग्रल कर सकते हैं कि फंक्शन की पावर एन प्लस वन प्लस सी पर, ओके जी, ये दोनों भी फॉर्मूलेस ऐड कर दीजिए। इस क्वेश्चन में मैंने सब्स्टिट्यूशन की, मैं बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकती थी, मैं वन बाय टू सीधा अगले स्टेप में लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकती थी, क्योंकि फंक्शन नीचे गए उसका डेरिवेटिव ऊपर, समझ आई बात बेटा, क्लियर। अब आपका काम है एक्सरसाइज 7.2 ट्राई करनी, सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, ठीक है, हम टुमारो वी विल डू दिस एक्सरसाइज 7.2, ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बेटा।